राम राम ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज सोमवार है, मैं सोमवार की कथा कहने जा रही हूँ। कथा के बाद आप शिव चालीसा भी सुनेंगे, जिसको पढ़ने और सुनने से अनेकानेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था, तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वे पहले जैसे शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के ने जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा जी काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अगर
अभी रोना पिटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों से एक आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं आज शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि देव दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो हो सकते हैं। शिव कृपा बिना राम या कृष्ण जी की भक्ति सफल नहीं होती। बोल शंकर भगवान की जय। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरजासन मंगल मूल सुजान कैत योद्या दास तुम दियो भे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल बाल चंद्रमा सोगतनी के कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बाए मुंड माल कर शार लगाए वस्त्र काल बागम पर सोए सब को देख नाग मुनि होए मैना मात की हवे दुलारी मामे अंग सोवत चवि न्यारे कर्त शोल सोवत चवि बारे करत सदा शर्तुन शैकार नंदी गणेश सोए तै कैसे सागर मध्य कमल है जय कार्तिक शाम और गण राव छवि को कई जात न काओ देवन जबी जाए पुकारा तभी दुख प्रभु आपन भार यो उपद्रव तारक भार देवन सब मिले तो हे जुहार तुरत षडानन आप पठायो लवन निमेश में मार गिरायो आप जलंधर असुर संहार सुदृश तुम्हार विदत संसार त्रिपुरा सुन सुन युद्ध मचाई सबे कृपा कर ली न बचाई किया तपे भगीरथ भारी उपपत गया था सुपुराई दानन मैं तुम सम को नाई सेवक सुति करत सदाई वेद माई मई मा तब गाई अखते अनादि वेद नहीं पाई प्रगति उदि मथंते ज्वाला जरत सुरासुर भय व्याल कीन दया तैं करी सहाय नील कंठ तब नाम कहाय पूजन राम चंद्र जब की ना जीत कलंक विभीषण दीन सहस कमल में हो रे धाई कीन परीक्षा तब पुराई एक कमल प्रभु राग
कठ में भक्ति देखी प्रभु शंकर वै प्रसन्न दिए चित्र जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवास दुष्ट सकल निध मोए सताव भ्रमत रहे मोए चैन नावे त्राई त्राई मैं नाथ पुकारू ये अवसर मोए आने उपाव लै त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोए आन उबारो माता पिता प्रात सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आओ हरो मम संकट भारी धन निर्धन को दे तसदाई जो कोई जाचे सो फल पाए अस्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कार योगी जति मुन ध्यान लगावे नारद शारद शीशन वावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पारन पाए जो ये पाठ करे मन लाए तापर होत है शंभु साय दुनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा को निश्चय शिव प्रसाद ते होय पंडित त्रोची को लावे ध्यान पूर्वक होम कराए त्रोच शिवत करे हमें का नहीं ताके रहे कलेशा धूप दीप नै वैद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहते अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी नित नेम कर प्राती पाठ करे चालीस तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग सर छठे हम अंतर तू समत चौसठ ज्ञान आस्तुति चालीस आशे पूर्ण कीन कल्याण शंकर भगवान की जय।